आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, नाउ हियर द गिवन क्वेश्चन इज, लेट अस कंसीडर अ कर्व y इज इक्वल टू f(x) पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 2 एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट x, f(x) इज गिवन बाय f(x) + x.f'(x) = x², where option A is x³ + x(f(x) + 12 = 0, option B x² + 2x f(x) + 4 = 0, option C x² + 2x f(x) - 12 = 0, or option D x² - 3x f(x) - 4 = 0. ओके, हमें क्या दिया हुआ है, हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया हुआ है कि f(x) + x f'(x) = x² और क्या दिया हुआ है, y = f(x). तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लो, क्या दिया है, y = f(x) दिया हुआ है, दैट इज अ गिवन। और यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, जो फंक्शन है हमारा f(x) + x.f'(x) = x² ओके तो ये क्या है आपका, बट y इज इक्वल टू व्हाट, f(x). तो हम यहाँ पे f(x) को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर मैंने f(x) को y से रिप्लेस किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, y प्लस x। नो f'(x) क्या हो जाएगा, दैट इज अ dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, इट इज एन x², ये हो गया। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब इसे हम ऐसे लिखेंगे कि dy बाय dx प्लस y बाय x इज इक्वल टू x² हो गया। अब इस फॉर्म में ये आ गया, अब इस फॉर्म में आके ये क्या हो गया आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है f इज इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, जो कि आपका इंटीग्रेटिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा क्या रहता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ प्योर ऑफ x dx, ये रहता है ना। तो हमने वही क्या है यहाँ पे लिख दिया, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। अब ये लिख दिया तो आपको क्या मिलेगा, अब इसका वैल्यू दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू x, ये x आ गया। अब x आने के बाद क्या करो, आप इसे इस फॉर्म में लिखो, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा y इंटू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, जो कि हो जाएगा y इंटू x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 dx, सो दैट इज इक्वल टू y इंटू x विल बी एज इट इज, इंटीग्रेशन विल बी x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, गिवन इज दैट कोऑर्डिनेट इज -2, -2, 2, जो कि क्या दिया है कि हमारा जो y इज इक्वल टू f(x) फंक्शन है, इट विल बी पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 2। सो हम लोग क्या करेंगे, x एंड y जो पॉइंट आपके वेरिएबल्स हैं, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द पॉइंट, सो वी विल गेट हियर। तो यहाँ का आपको मिल जाएगा -2 × 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू अगर मैंने पुट कर दी तो क्या हो जाएगी आपकी, -8/3 प्लस सी, तो यहाँ पे मिल जाएगा सी इज इक्वल टू 8/3 और ये -2 × -2 तो ये हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा यहाँ पे, सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट -4/3, ये आ गया। अब वापस से हम लिखते हैं y डॉट x इज इक्वल टू x³/3 और c की वैल्यू क्या मिली थी, c की वैल्यू मिली थी -4/3, बट हमारा y क्या है, बट y इज नथिंग बट f(x), तो यहाँ पे आ जाएगा आपका f(x) डॉट x इज इक्वल टू x³/3 -4/3। ओके, तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ थ्रू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 3, सो वी विल गेट 3 × f(x) × x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा x³ - 4, सो क्या हो जाएगा, अब हम इसे अरेंज करेंगे तो अरेंज करने पे मिलता है x³ - 3 f(x) × x - 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल रहा है हमें फाइनल सॉल्यूशन, x³ - 3 × f(x) × x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज नथिंग बट वॉट, कौन सा ऑप्शन है हमारा, सो दैट इज नथिंग बट अवर ऑप्शन नंबर डी, सो डी विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।